ये टॉप 5 स्मार्टफोन मैंने आपके लिए पिक किया है जो आप बाय कर सकते हो इस दिसंबर 2022 में। तो ये जो फोन है ये आपको मिल जाएंगे 12,000 से लेकर 20,000 के प्राइस सेगमेंट में, और इस सभी में आपको 5G अच्छा खासा प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी ये सब देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जिस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, बट उसे आपको अवॉइड करना चाहिए, और कुछ ही है जिसको आपको पिक करना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड स्टार्ट करते हैं 5th नंबर से। तो ये 5th नंबर पे स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 20 5G, ये जो स्मार्टफोन है जस्ट लॉन्च हुआ है और काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। इसमें लगा हुआ है 6.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले और साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो आपका यहाँ पे टच एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। बात करें यहाँ प्रोसेसर का, तो MediaTek का Dimensity 810 दिया गया है। 5G यहाँ पे आपको 12 बैंड देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छा है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको 12 5G बैंड किसी और स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है, इसमें दिया गया है। इसका हमने फुल वीडियो ऑलरेडी करा है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख भी सकते हो। इस स्मार्टफोन का एक ही वेरिएंट आता है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल। यहाँ पे आप रैम को 3GB और बढ़ा सकते हो, वर्चुअल रैम जो होता है, और ये वर्क करता है XOS पे जो एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एंड्रॉइड भी देखने को मिल जाता है, और इसका जो XOS है ये भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। कुछ ब्लॉटवेयर वगैरह है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें XOS आता है। तो बात करते हैं इसके कैमरे का, तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ में बड़ा सा फ्लैश लाइट है। जो मेन कैमरा है ये आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और एक जो कैमरा है ये AI कैमरा है जो VGA मतलब डेप्थ वगैरह कैप्चर करता है, एंड फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। दोनों से आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं बोलना चाहूंगा क्वालिटी डिसेंट सा है, ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं देखने मिलेगा, बट जो कैमरे का क्वालिटी है जब आप पिक्चर लोगे तो आपको काफी अच्छा पिक्चर देखने मिलेगा, एंड फ्रंट से भी अच्छा खासा ब्यूटी के साथ आ जाता है फोटो, तो आप निकाल सकते हो। बात करें यहाँ बैटरी का, तो आपको 5000mAh का बैटरी देखने मिलता है और साथ में 18W चार्जर के साथ आता है। तो ये जो स्मार्टफोन है 12,000 में आप पिक कर सकते हो, ऐसे ऑफर वगैरह लगाकर थोड़ा सा कम भी हो सकता है, अगर नहीं भी लगा पा रहे हो फिर भी ये 12,000 में बेस्ट फोन है, आप इसे बाय कर सकते हो। 4th नंबर पे है पोको M4 प्रो 5G। इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और साथ में 240 का टच सैंपलिंग है। जो पिछले वाला था इन्फिनिक्स हॉट 20 5G उसमें आपको 180 का टच सैंपलिंग देखने को मिला था, बट इसमें आपको 240 का देखने को मिलता है, तो टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहेगा। इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, MediaTek का Dimensity 810 दिया गया है जो डुअल 5G सपोर्ट करता है, दोनों सिम 5G सपोर्ट करता है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो अगर आपके एरिया में आ गया है तो। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ प्रोसेसर वाइज भी काफी अच्छा ये फोन है। मेमोरी टाइप आपको इसमें UFS 2.2 देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पे 4GB एंड 64GB जो इसका बेस मॉडल है ये आप बाय कर सकते हो 13,000 में। इसका और वर्जन आता है लाइक 6GB प्लस 128GB, और एक आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, तो आपको जो लेना है आप ले सकते हो, लेकिन इसका जो बेस मॉडल है ये भी काफी अच्छा है। और साथ में जो कैमरा होने वाला है, बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन जो कैमरा ये 50 मेगापिक्सल का है, और जो सेकेंड कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और जो फ्रंट में है वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो काफी अच्छा कैमरा सेटअप है। और साथ में यहाँ पे बैटरी का बात करूं तो 5000mAh का तो बैटरी दिया ही गया है, और साथ में आपको मिलता है 33W का फास्ट चार्जर। 10% से लेकर 100% तक आपको चार्ज करने में ऑलमोस्ट 55 मिनट्स लगते हैं, जो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, और आराम से 5000mAh बैटरी दिया गया है, तो यूज करो, गेम खेलो, प्रोसेसर भी तगड़ा है, काफी मजा आएगा। एंड इसका जो प्राइस है ये 13,000 है, अगर चाहो तो कुछ ऑफर वगैरह लगाकर इस पर भी डिस्काउंट आप ले सकते हो, अगर नहीं भी लगा पा रहे हो फिर भी 13,000 में काफी अच्छा है। और एक चीज यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूं, देखो प्राइस क्या होता है, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, तो ये आप देख लेना, हो सकता है मैं जब देख रहा हूँ तो कम रहे, आप देखो तो ज्यादा रहे, या आप देख रहे हो तो कम रहे और मैं बोल रहा हूँ तो ज्यादा रहे, ये दोनों सिचुएशन हो सकता है। थर्ड, IQ G6 Lite 5G। ये जो स्मार्टफोन है इसका डिस्प्ले 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 का टच सैंपलिंग देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छा डिस्प्ले, फुल HD प्लस है तो कंटेंट वगैरह आराम से देखोगे, काफी अच्छा आपको दिखेगा, और टच रिस्पॉन्स अच्छा है, तो गेम के समय हो गया या स्क्रॉलिंग करते समय आपको काफी अच्छा लगेगा। साथ में आपको प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 दिया गया है, और साथ में आपको दोनों सिम में 5G आप चला सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन वही है आप अपने एरिया में देख लेना 5G चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें आपको दोनों सिम में देखने को मिल जाता है, और प्रोसेसर भी काफी अच्छा है, आराम से आप गेम खेल सकते हो, आपको ज्यादा लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। OS में आपको Android 12 एंड FunTouch OS के साथ आता है, तो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन रहेगा, तो आपको अच्छा लग सकता है, थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर रहेगा तो ये आपको झेलना पड़ेगा। कैमरे की बात करूं तो बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप है 50 प्लस 2 मेगापिक्सल, तो ऐसा समझ लो 50 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा है, एंड फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है।
कैमरा में बोलना चाहूंगा नॉर्मल सा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोसेसर और जो डिस्प्ले ये काफी अच्छा है। साथ में 5000mAh का बैटरी और 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 1 घंटा 30 मिनट लगता है 80% चार्ज होने में, तो मैं बोलना चाहूंगा डिसेंट है, ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल चार्जर से डेफिनेटली थोड़ा अच्छा चार्ज कर लेता है। तो इसका जो बेस मॉडल है ये आपको 14,000 में देखने को मिल जाएगा, तो मैं बोलना चाहूंगा 14,000 में इसे भी आप ग्रैब कर सकते हो। ऐसे सभी स्मार्टफोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई बाय करना है तो आप बाय भी कर सकते हो। सेकेंड स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन है ये आप बाय कर सकते हो काफी अच्छे प्राइस पे, Redmi Note 11T 5G। इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है और 240 का आपको टच सैम्पलिंग देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है एंड कलर वगैरह आपको काफी अच्छा दिखेगा और साथ में टच रिस्पॉन्स भी काफी सही है। एंड प्रोसेसर में आपको MediaTek का Dimensity 810 देखने को मिल जाएगा, 5G सपोर्ट करता है, आराम से आप 5G यूज कर सकते हो और साथ में यहाँ पे काफी अच्छा आपको स्पीड भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो MediaTek 810 है, तो इस MediaTek के Dimensity 810 पे आप गेम खेल सकते हो, बहुत हाई सेटिंग पे नहीं, एक डिसेंट सेटिंग पे आराम से आप गेम खेल सकते हो। साथ में यहाँ पे 90Hz का रिफ्रेश रेट है तो थोड़ा अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहेगा, नॉर्मल जो 60Hz आता है उससे तो डेफिनेटली काफी अच्छा रहेगा आपका। साथ में आपको 6GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको 5000mAh का बैटरी एंड 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। लगभग आपको 60 मिनट से 65 मिनट लगेंगे फुल चार्ज करने में, एक बार फुल चार्ज कर लो 1 घंटे में फिर तो आपके फोन है, आराम से मजे से गेम खेल सकते हो। तो ये जो Redmi Note 11T 5G है ये अभी आपको 17,000 में देखने को मिल जाएंगे। मैं बोलना चाहूंगा 17,000 में भी ये जो फोन है ये भी अच्छा है। ऐसे मैंने जो भी फोन पिक किया है ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे 12,000 से 20,000 के बीच में। तो अब बारी यहाँ पे फर्स्ट नंबर का। तो ये जो स्मार्टफोन है, ये बताने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना इस तरह के अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है। तो देखो नंबर वन पे जो फोन है ये Realme Narzo 50 Pro 5G है। ये जो स्मार्टफोन है माइंड ब्लोइंग होने वाला है 20,000 के प्राइस में, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, इतना ही नहीं AMOLED पैनल के साथ आता है और साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट है, तो चलाने में तो काफी मजा आएगा। पैनल AMOLED है तो आपको काफी अच्छा व्यू एंगल मिलेगा और साथ में जो कॉन्ट्रास्ट एंड जो ब्राइटनेस वगैरह होता है ये सब काफी अच्छा रहेगा। एकदम कलर आपको पंचीनेस टाइप का मिलेगा, जहाँ पे हरा एकदम हरा लगेगा, ग्रीन हरा ग्रीन देख रहे हो रेड वगैरह, मतलब कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहेगा जो आपके आंखों को काफी अच्छा लगता है। इस स्मार्टफोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक 6GB रैम 128GB, एक है 8GB रैम 128GB। दोनों का प्राइस में काफी डिफरेंस है तो आप देख सकते हो। ऐसे जो बेस मॉडल है इसका प्राइस आपको अंडर 20K में देखने मिलेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये अंडर 20K वाला जो है इसका बेस मॉडल ये आप ट्राई करो। बात करूं यहाँ प्रोसेसर का, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है इस मिड रेंज जो फ्लैगशिप फोन है इसमें लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 920 जो काफी अच्छा प्रोसेसर है जिसपे आराम से आप गेम खेल सकते हो और कोई लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे आपका प्रोसेसर वाइज भी ये जो स्मार्टफोन है काफी अच्छा रहने वाला है। बात करूं यहाँ पे कैमरे सेटअप का, तो बैक में आपको तीन कैमरा देखने को मिलता है। एक है यहाँ पे मेन कैमरा जो 48MP पे है, सेकेंड यहाँ पे 8MP और थर्ड जो है ये 2MP कैमरा है और फ्रंट साइड में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो आप आराम से बहुत अच्छा पिक्चर वगैरह निकाल सकते हो। साथ में आपको 5000mAh का बैटरी एंड 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। लगभग 30 से 35 मिनट में आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा, तो मतलब काफी अच्छा है, बैटरी भी अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, डेफिनेटली ये फोन आप पिक कर सकते हो अगर आपका बजट अंडर 20K है। तो टॉप 5 फोन मैंने आपको बता दिया। चलो एक बोनस बताता हूँ आपको, अगर आप एक चीज मिस कर रहे हो उसे मैं क्यों छोड़ दिया हूँ, सैमसंग का फोन। तो अगर आप सैमसंग लवर हो या नहीं भी हो तो ये फोन डेफिनेटली सैमसंग का काफी अच्छा फोन है, सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। तो इसका जो डिस्प्ले है ये 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। इसका जो पैनल है ये LCD पैनल पे आता है, यहाँ पे AMOLED दे सकता था बट आपको AMOLED पैनल देखने को नहीं मिलता है लेकिन LCD है। साथ में यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो ये काफी अच्छा चीज है, मतलब जब आप फोन यूज करते हो तो उसमें आपको काफी अच्छा फील होता है स्क्रॉलिंग करते समय या गेम खेलते समय, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले अच्छा देखने मिलेगा। हाँ एक चीज मिस करोगे, वही AMOLED आप मिस करोगे यहाँ पे। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने मिल जाएगा, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज। साथ में रैम प्लस का यूज करके आप यहाँ पे मेमोरी काफी अच्छा बढ़ा सकते हो, रैम का लगभग 8GB है तो 16GB आप कर सकते हो, तो ये आप कर पाओगे वर्चुअली। ओके बात करूं यहाँ पे OS का, तो सैमसंग का अपना OS इसमें दिया गया है
One UI 4 नहीं दिया गया, One UI 4 दिया गया जो काफी अच्छा है। ब्लॉटवेयर वगैरह आपको काफी कम देखने मिलेंगे। साथ में ये Android 12 बेस्ड है। इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है, चार कैमरा लगा हुआ है बैक साइड में। ऐसे अभी जितना मैंने आपको बताया पिछले का फोन उसमें तीन नहीं तो दो था, बट इसमें आपको चार देखने को मिलता है। जो बैक का चार कैमरा है, इसमें जो मेन कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का है, प्लस 5 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, तो यहाँ पे चार कैमरा आपको देखने मिलते हैं। एंड फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो मैं बोलना चाहूंगा जो मेन कैमरा है ये सबसे अच्छा होने वाला है, एंड फ्रंट का कैमरा डेफिनेटली आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी के मामले में वन ऑफ द बेस्ट कैपेसिटी आपको देखने को मिलने वाला है, जो सैमसंग की तरफ से आई थिंक बहुत कम में ही आता है। 6000 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलता है, साथ में 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो मैं बोलना चाहूंगा बैटरी वाइज भी काफी अच्छा है, अगर आप सैमसंग का ही फोन लेना चाहते हो तो इसे आप पिक कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये जो टॉप 5 स्मार्टफोन है ये आपको पसंद आए होंगे। एक बोनस वाला भी आपको अगर पसंद है तो आप वो भी बाय कर सकते हो। सभी स्मार्टफोन का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप बाय कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मानो के क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इन्वेंशन डिस्ट्रॉयर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको बस हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।